नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम फोटो देवी है। इंडियन वेज फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज फिर आई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो दोस्तों आज मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ, तो इस वीडियो में थोड़ा हम मेहनत हमारी ज़्यादा होगी इस वीडियो में। और अगर दोस्तों हमारी मेहनत आप सबको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों आप सब देख सकते हैं, कोकाबेली का ये फूल है और ये कोकाबेली का पत्ता है। तो आज हम कोकाबेली का रेसिपी बनाने वाली हूँ। और कोकाबेली इस समय जो है पानी में तैयार हो गया है। एक खेत थाल किस पे काफ़ी पानी बुरा हुआ है, थोड़ा खेत खाल था। तो कोकाबेली को हम ढूंढ ढूंढ कर तोड़ेंगे। तो देख सकते हैं ये खेत में जो है काफ़ी पानी भरा हुआ है। इसमें कोका बेली और एक ये वाला जो है पौधा है, इसे हमें पता नहीं है, लेकिन देखिए इसमें भी फूल और फल लगे हुए हैं। ये देखिए, दोस्तों इस खेत में जो है पानी बहुत ही ज़्यादा है। तो देखिए इस खेत में कोकाबेली भी ज़्यादा है। तो इसी खेत में हम ढूंढ ढूंढ कर कोकाबेली को तोड़ते हैं, जितना सकता है उतना तोड़ेंगे। इसमें पानी बहुत ज़्यादा है। कोकाबेली का कई जात होता है, जैसे देसी होता है और हाईब्रिड होता है। तो बिल्कुल उसी तरह कोकाबेली भी होता है। ये देखिए एकदम देसी वाला कोकाबेली है और छोटा है। इसके बीज इसके अंदर थोड़ा देखते हैं, अगर कच्चा रहेगा तो इसका बीज जो है लाल रहेगा, अगर पका हुआ होगा तो इसमें इसका बीज जो है काला होगा। तोड़ कर चेक कर लेंगे। वो अभी ये कच्चा है, दूसरे वाले का देखेंगे। ये थोड़ा पका है, ये भी कच्चा है अभी, तो तीसरे वाले को भी चेक करेंगे। ये पूरी तरह से पक गया है। तो एकदम छोटा वाला हमें नहीं तोड़ना है, थोड़ा सा मीडियम जो है उसी को हम तोड़ेंगे। तो जितना हो सकता है उतना कोकाबेली हमने तोड़ लिया है। कहते हैं घर जहाँ पे बनाएंगे रेसिपी। तो घर हम पहुंच चुके हैं। कोकाबेली का सबसे पहले हम जो ये पत्तियां हैं लगी हुई, तो इसको हम साफ कर लेंगे। कोकाबेली को हम 3-4 पानी बहुत नीचे से धुलेंगे, ताकि जो इसमें कचड़ा लगा हुआ है साफ हो जाए। कोकाबेली को हमने साफ पानी से धो लिया है, तो अब इसे हम तगाड़ी में रख देंगे। यहाँ पे हमें कपड़ा लिए हुए हैं, कोकाबेली को हम इस कपड़े से ढक देंगे और एक रात के लिए इसे हम छोड़ देंगे इसी तरह से। फिर मिलते हैं सुबह। एक रात बीत चुका है, अब ढक्कन को हटाकर हम देखते हैं कोकाबेली हमारा कैसा हुआ है अंदर। तो इधर आप देख सकते हैं कोकाबेली में जैसे संतरे में कली होती है, बिल्कुल उसी तरह जो है कोकाबेली में भी सभी कलियां अलग अलग हो गई हैं, बिखर गए हैं। आप सब पास से देख लीजिए, इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी। तो चलिए हम इसके बीज को निकालते हैं बाहर। तो रखने से क्या होता है, इसका छिलका बहुत ही आसानी से निकल जाता है, इसका कली जो है दाने जो है बहुत ही आसानी से जो है निकल जाता है, दिक्कत नहीं होती है। तो छिलके हमने हटा दिए हैं और ऊपर का जो हिस्सा है इसको हम निकाल कर बाहर रख देंगे डिलई में। तो दोस्तों इसको निकालने में जो है काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी मज़ा आता है। आप सब देख लीजिए कितना अच्छा जो है सभी दाने जो है अलग अलग हो जा रहे हैं। तो इसी तरह हम सभी दाने को निकाल कर रख लेंगे। तो आप सब देख लीजिए कितना अच्छा जो है कोकाबेली का दाना है।
तो अब इसे हम हाथों से अच्छे से मसल देंगे। इसमें थोड़ा लेवार टाइप का होता है इसके ऊपर जो है, और लेवार जब हट जाएगा तो सभी दाने अच्छे से निकल जाएंगे बाहर। तो हाथों से हम अच्छे से मसलेंगे, उसके बाद इसे हम 5-6 पानी अच्छे से धुलेंगे ताकि जो कोकावेली की बीज में लेवार है पूरी तरह से हट जाए और दाने हमारे बहुत ही अच्छे से साफ एकदम निकल आएँ। तो यहाँ पे हमने एक बिलई लिया हुआ है, इस पर हम एक कपड़ा बिछा देंगे। और इधर हमने कोका बेली को बीज के थोड़ा सा निकाल लिया है, अब इसे हम छान लेंगे। तो आप सब पास से देख लीजिए कितना सुंदर जो है कोका बेली का बीज बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो इसी तरह हमें सारे बीज को निकाल कर रख लेना है। तो इसे हम डिलाई में रख देंगे। तो इसे हम धूप में फैला देंगे सूखने के लिए, और इस बीज को हम कड़ी धूप में 2 दिन तक सुखाएंगे, तब जो है पूरी तरह से सूखेगा। उसके बाद इसका रेसिपी बनाएंगे। और वीडियो को हमारे पास लास्ट तक देखें, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। तो कोकावेली के बीज को हमने 3 दिन कड़ी धूप में सुखा लिया है, सब पास से देख लीजिए। इसका बीज बहुत ही अच्छे से सूख गया है और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसे हम एक बर्तन में उठा लेंगे। यहाँ पे हमने सिलबट्टा लिया हुआ है, कोकावेली को हम सिलबट्टे पे रख कर इसे हम दरदरा लेंगे ताकि इसका छिलका बहुत ही आसानी से उतर जाए। तो हल्के हाथों से इसे हम इस तरह से करेंगे। तो आप सब देख सकते हैं छिलका बहुत ही आसानी से इस तरह से उतर जाता है और बीज अलग हो जाता है। तो इसी तरह हमें छिलके को निकाल लेना है। तो जितना सकता है उतना हमने जो है कोकावेली को सील पर जो है दरदरा लिया है, इसका छिलका उतार लिया है। अब इसे हम सूप से जो है साफ कर लेंगे। तो आप सब देख सकते हैं कि इस तरह से जो है हलोरने से छिलका इसका जो है बाहर निकल रहा है। तो इसी तरह से हलोर कर हम छिलके को बाहर निकाल लेंगे और बीज इसका अलग हो जाएगा। तो कोकावेली का छिलका हमने उतार लिया, आप सब देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से जो है इसका छिलका साफ हो गया है। तो अब इसे हम सिलबट्टे पे रखकर पीस लेंगे। तो कोकावेली के बीज को हम आटे जैसा इसे हम पीस कर तैयार करेंगे रेसिपी बनाने के लिए। इसका बहुत ही स्वादिष्ट बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाने वाली हूँ, वीडियो हमारे आप लोग पूरा देखिएगा। एकदम बारीक पीसना है। तो कोकावेली का पाउडर हमने बना लिया है, सब देख सकते हैं कि बहुत बारीक हमने पीसा हुआ है। तो अब इसे हम एक बर्तन में उठा लेंगे। आइए दोस्तों हम आप सभी को बता दें हम बनाएंगे क्या। आज हम बनाने वाले हैं कोकावेली का बर्फी, जो कि खाने में काफी टेस्टी होता है, बनाने में काफी आसान होता है और सेहत के लिए हेल्थी होता है। तो कोकावेली का जो बर्फी होता है आप इस बर्फी को जो है व्रत में भी खा सकते हैं। तो बर्फी बनाने के लिए हमने जो भी सामग्री लिया हुआ है सभी को दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 पाव कोकावेली का आटा लिया हुआ है, और यहाँ पे हमने 2 चम्मच घी लिया हुआ है, 10 छोटी इलायची है, 300 ग्राम चीनी है, 500 ग्राम खोवा है। तो इधर आग को हमने जला लिया है, हाथ को हमने धो लिया है, कढ़ाई को हम रख देंगे चूल्हे पर और कढ़ाई में डाल देंगे देसी घी। तो अब हम कोकावेली के आटे को घी में डाल देंगे। तो आटे को हम थोड़ा सा सोना होने तक भून लेंगे। तो आटे को हमने ब्राउन होने तक भून लिया है, अब इसमें हम डाल देंगे खोआ। और उसी के साथ हम डाल देंगे चीनी। तो खोवा चीनी को हम एक साथ में ही डाल देंगे और थोड़ा सा हम बचा लेंगे इलायची का पाउडर बनाने के लिए। अब इन तीनों चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और धीमी आंच में इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। तो खोवा और चीनी हमारा बहुत ही अच्छे से गल गया है, तो इसे हम गाढ़ा होने तक अच्छे से पका लेंगे और बराबर चलाते रहेंगे, आंच को धीमी रखेंगे। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा कलर, येलो फूड कलर डाल रही हूँ ताकि हमारे बर्फी का कलर देखने में अच्छा लगे। तो इधर हमने इलायची का पाउडर डाला हुआ है ताकि बर्फी हमारी खाने में टेस्टी लगे। तो दोनों चीजों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो इसे हम धीमी आंच में 5 मिनट तक और पकाएंगे। तो आप सब देख सकते हैं कि बर्फी हमारी जमने लायक हो गई है, तली से जो है पूरा जो है स्टफिंग छोड़ रहा है। तो बहुत ही अच्छा हमारा बर्फी जमकर तैयार होने वाला है।
तो हम कढ़ाई को उतार लेंगे नीचे। तो यहाँ पे हमने ट्रे में देसी घी लिया हुआ है, घी को अच्छे से हम ग्रीस कर लेंगे ताकि बर्फी हमारी बहुत ही अच्छे से छूटे। तो बर्फी को जमने के लिए इसे हम किस्ती में निकाल देंगे। तो अब इसे हम ट्रे में अच्छे से फैला देंगे। तो बर्फी को हमने जमने के लिए बहुत ही अच्छे से सेट कर दिया है। तो इसे हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि यह ठंडा हो जाए अच्छे से। तो बर्फी को अच्छा लगने के लिए यहाँ पे हमने चांदी वर्क लिया हुआ है, इसे ऊपर से हम लगा देंगे। बर्फी हमारी ठंडा हो गई है, अब हम बर्फी को काट कर दिखाते हैं आप सबको। तो बहुत ही अच्छा हमारा बर्फी बना हुआ आप सब पास से देख लीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज मैं जिस तरीके से कोका वैली का बर्फी बनाना बता रही हूँ, तो आप लोग अपने घर पे इस तरीके से एक बार जरूर बनाकर ट्राई करिएगा, क्योंकि यह खाने में काफ़ी टेस्टी होता है। तो बहुत ही टेस्टी हमारा जो है कोका वैली का बर्फी बनकर तैयार है। और आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।